एक दिन के बच्चे को भी मैंने देखा, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल मतलब इसको तो होश ही नहीं था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मतलब इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। बाहर का मौसम दिखाता हूँ कैसा हो रखा है, बारिश ही हो रखी है। मैं ना अभी दुकान पे जा रहा हूँ, शिवा यहाँ बैठ गया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। दरवाजे बंद कर दिया यार इसने, नीचे नीचे से। अच्छी अच्छी मस्त सी बारिश हो रखी है, सावन के महीने में बारिश तो रहेगी। गाड़ी लेके आ रखा हूँ, चले जाऊँगा थोड़ी देर में। ये काट रही है भिंडी यहाँ पे। पता आज वो क्या बोलते, पहली बार हुआ होगा ना ऐसा कि तुम गाड़ी लेके आ रखा और बारिश आ रही हाँ है। और पता है कि हम ना वो सुन रहे थे, मतलब इस टाइम पे ना हमेशा हम वो शिवजी भगवान जी के ना भजन लगा देते हैं, तो एक वो आ रहा था डमरू वाले के ना, डमरू गाने। तो तब मेरे को याद आया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे स्कूल के टाइम पे मेरी हिंदी संस्कृत वगैरह सही थी, मेरी अच्छी थी। तो हम उस टाइम पढ़ते थे माहेश्वर सूत्र, जो शिवजी भगवान जी का डमरू बजता है ना, उसका जो माहेश्वर, उससे जो माहेश्वर सूत्र निकले थे, तो उस 14 माहेश्वर सूत्र निकले थे, तो उसी से मतलब संस्कृत व्याकरण की रचना हो रखी है। तो मैं सुनाती हूँ क्या है। आई ओं ऋलिक ए औंग आई अच हयवरट लण यम गणनम झबय गणदस जब गणदस खपय छठ खप छठत चटतव कपय सस्सर हल। तो ये माहेश्वर सूत्र है, तो इनके द्वारा ना संस्कृत व्याकरण की रचना हो रखी है। तो मतलब अच्छा लगता है कि जब ये बजता है डमरू, तो इसलिए एकदम से याद आएगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ मतलब शेयर कर लूँ मैं जो जो मैं वो हो रही हूँ। तो शिवा कहाँ जाना है? कहाँ? मम इसे ना बारिश देखने जाना है। जा जा जा। ओ यहीं तो खारा पानी। नहीं नो, पैर मत रखियो नीचे, यहीं तो खारा पानी पूरा। चलो हटो। तो गाड़ी कर ली है स्टार्ट, बारिश हो रही है बाहर। और वो दोनों ना वहां से खड़े हुए बाय कर रहे हैं मेरे को, वो दोनों खड़े हुए। दीदी और शिवा ना इधर बारिश का आनंद ले रहे हैं। दीदी शिवा को कह रहे, मैं तो झाड़ू लगा रही थी और बन रही है इधर भिंडी प्याज की सब्जी। तो प्याज काटे ना इसकी, वो लग रही दीदी ने काटे प्याज, बहुत मिर्ची लग रही इसकी। और आज दीदी लेके आई है पत्तियोड़, पत्तियोड़ खाऊंगी थोड़ी देर में, चाय बनाएंगे ना अभी, इसलिए मैंने बचा के रखा है, चाय के साथ खाऊंगी। उसकी उसकी आंखों में ना प्याज की चीरी वो लग गई मिर्च। कोई बात नहीं। तो बारिश देख रहे इतनी ज़्यादा हो रही है ना, फिर से झमझम झमझम बारिश लग गई। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ यहाँ से ना, क्योंकि शिवा रो रहा था तो तब खोला हुआ था ये। और इसको ना इतना रो रहा, पता नहीं क्यों रो रहा था ये। आइए लिया है इसने सेल्फी स्टिक। दीदी आई भी थी तो चाय, मेरी ब्लैक टी बनाई हमने आज, तो मैंने तो पत्ती उड़ खा लिया। दीदी की चाय ना ऐसे रह गई क्योंकि भैया घर आए हुए हैं किसी काम से ना, तो बाद में दीदी को गर्म करके दे दूंगी। वो जेब नहीं है बेटा, गंदी बात। पता मेरे मेरे जेब में ना पैसे थे ना 10 रुपए के, देख रहे हो, सिवा सोच रहा हूँ जेब है, वहां नहीं रखते। जय कर दो, जय करो, पैसों को जय करो। हाँ माँ को दे दो। चलो वो सोच रहा जेब है। शिवा ने भी नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, और हम दोनों ने ना अपने बाल किससे सुखाए। शिवा क्या करा? मामा। क्या किससे सुखाए अपने बाल? पापा। हाँ किससे सुखाए? पापा के। डेढ़ से सुखाए ना, तो मैं ड्रायर से ना बाल सुखाए। वो तो शिवा ने ना आते ही बोला डेढ़ डेढ़, तभी याद आई मुझे। मैंने कहा यार मैं भी अपने बाल ड्रायर कर लो थोड़ा बहुत ना, पूरे तो नहीं हो पाता क्योंकि टाइम तो काफी लग जाता है। तो नहा लिया हम दोनों ने, दीदी का वेट कर रहे थे, तो दीदी अभी आई नहीं है नीचे से। दीदी की चाय भी ठंडी होगी, दोबारा बना लूँगी, कोई नहीं वो तो ख़राब से जाती है ना, आएंगी तो। और मैं शिवा को ना दूध पिला लूँ तब तक, इसलिए हम दोनों ने नहा लिया। 11 ही बज रहा, अभी 11, हाँ 11 ही बज रहा है। तो फिलहाल
दूध गर्म कर लो इसे। चले तो अभी ना कोड़े वाले भैया आ रखे हैं, हम यहाँ नीचे आ गए थे और क्योंकि सामान देरी मतलब कूड़ा दे रही है, सामान के देरी कूड़ा दे रही है, बारिश हो रही है तेज सी, अभी फिर तेज हो गई। तो लगभग ना 1 बज गया है और हम आ गए थे ऊपर, नीचे गए थे थोड़ा सा ऊपर आ गए, है ना शिवा शिवा, क्योंकि शिवा से ना सागर की वो होती सुबह से घी घी गाड़ी गाड़ी ये है वो है, घुमा के लेके आ गई इसे। और मैंने क्या करा ये फोन ना, मैंने सोचा मैं शिवा को थोड़ा वो करूँगी, रोटी बनाती हूँ तो अगर बैठता है तो ठीक है, नहीं तो राइम्स वगैरह पे कुछ भी करके भूख लग रही है ना, रोटी बना देती हूँ। खेल रहा है गाड़ी से, शौक उतार दी, कहाँ रखी, वहाँ रख दी, उतार देगी, अजीब अटपटा सा लग रहा होगा, सॉक्स पहनाई थी ना नया लाया ठंडे पानी से, तो हो ही जाता है बच्चे का, अब कुछ टाइम बाद गर्म गुनगुने पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा ठंडा सा बढ़ रहा है ना, वैसे शिवा को डर तो लगता है नहीं नहाने में, पर हो ही जाता है ना, मौसम चेंज होता है तो उस टाइम पे जरा जिसमें बरसात और सर्दियाँ आती है ना उस टाइम पर थोड़ा बच्चे को बचा के रखना पड़ता है, तो कुछ टाइम बाद गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। और रोटी बनाती हूँ, सागर भी आने वाले हैं और बाहर तो बारिश ही हो रही है, और सॉक्स ना ऐसे फेंक दी है, बोला वाह वाह कहाँ है, कौन सी बॉल है, ओ रेड रॉस जी ना, गरम कर रही हूँ मैं। और आज प्याज ना दीदी ने काटा और इतने अच्छे लंबे लंबे पतले पतले से प्याज काटे हुए हैं ना, मेरे को तो मिर्ची लगती है मैं तो फटाफट काट देती हूँ, लेकिन दीदी ने अच्छे से काटे हुए हैं। और देख रहे मैंने कहा शिवा आ जा खाना खाने, अब तक क्या लेके आ गया बाहर से, क्यों 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 क्यों, सोच रहा दूध पीना है क्योंकि ऐसे करके लेट के दूध पीता ना, बेटा सब्जी खाओगे आप, आपकी फेवरेट बनी है भिंडी, देख रहे हैं सब्जी खाओगे ना। तो हे गाइस अभी आ गया मैं घर पे और अभी बज रहा है दिन का 1:30 बज रहा है, करीबन बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज हो रही है, सुबह से ही हो रही है बारिश यार। शिवा तो बैठा हुआ है यहाँ पे खा रहा है खाना, भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं बन रही यार। खाना तो हो गया था हमारा, अभी ये बना रही है चाय, और शिवा ने बता क्या करा, अभी आंसुओं से रो रहा, आंसुओं से सब्जी खा रहा था ना, अपनी उंगली काट ली अपने दांतों से, शिवा हाई कहाँ हुई, तो खाना भी तो अपने आप है, अब उसे और कट जाएगी वो नहीं लेते। तो अभी करीबन 6 बज रहा है और मैं हूँ दुकान पे, तो मुझे यहाँ से अभी जाना है फिलहाल बड़ी अम्मी और के यहाँ पे, बड़ी अम्मी को दिखाना है डॉक्टर के यहाँ पे, तो 6 बजे करीबन का, 6:15 बजे करीबन का अपॉइंटमेंट मिला है, तो अभी जाता हूँ पहले घर पे बड़ी अम्मी और के यहाँ, तो वहाँ से बड़ी अम्मी को लेके फिर जाता हूँ डॉक्टर के यहाँ, निकल ही रहा हूँ बस मैं अब। तो अभी रास्ते में हूँ मैं, निकल गया था अभी, पहुँच जाऊँगा 1-2 मिनट में, बारिश ही हो रही है। तो पहुंच गया अभी घर पे, आने वाले होंगे, पहले तो अंदर ही जाता हूँ। तो अभी डॉक्टर के तो आ गए थे, बड़ी मम्मी को बिठा रखा है वहाँ पे, नंबर आने वाला है, चाचा आ रखे हैं, मैं आ रखा हूँ, डॉक्टर सौरभ मेहरा। तो अभी मैं थोड़ा सा बाहर आ रखा था ऐसे ही, और यहाँ पर आए थे हम डॉक्टर के यहाँ, अंदर बैठे ना, एक्सरे वैक्सरे तो हो गया, अब डॉक्टर चेक करेगा। और बाहर ना रेनबो रखा है, रेनबो मस्त लग रहा, पूरा इंद्रधनुष। बारिश तो ही रही है, खैर हल्की हल्की हो रही है अभी फिलहाल। तो चलते अब, जल भराओ तो सभी जगह रखा है, निकल गए थे यहाँ से। तो अभी आ गया हूँ मैं घर पे, और बड़ी मर गया गया था तो मैं ये भी लेके आ गया, तो खेलता रहेगा इसके साथ ही मस्त। हम्म।
दिखा दिया डॉक्टर? हाँ दिखा दिया। क्या बोला? बाल आ रखा पैर में, हड्डी टूट रखी थोड़ी, मतलब बाल बराबर, बाल बराबर। आराम बोला होगा। 45 दिन का बेड रेस्ट। हाँ फिर वो लेके आए, वॉकर वोकर लेके आए। तो अभी आ गया था मैं घर पे और बड़ी मम्मी के डॉक्टर के दिखा दिया था। तो बड़ी मम्मी के तो पैर में मतलब यह कि चोट लग रखी है, अब यह बेड रेस्ट बोल रखा है बड़ी मम्मी को 45 दिन के करीबन का। और जो चलेंगे मतलब यह लेफ्ट पैर में आ रखा है बाल। तो अब दिखा दिया, बेड रेस्ट ही करेंगे। यह है कि उस पैर पर जोड़ नहीं डालना है क्योंकि वहाँ ना कुछ हो सकता है, ना प्लास्टर हो सकता है, ना कुछ हो सकता। तो अब देखते हैं कि कैसे आराम ही करेंगे। अभी तो 40-45 दिन करीबन, अभी 10 दिन बाद डॉक्टर के फिर से दिखाना है चेकअप के लिए। दवाई दे दी थी 10 दिन की, फिर दोबारा दिखाएंगे। तो ऐसा ही था। तो मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि मेरी कहानी जो है, मतलब आप लोगों को भी मैं सब चीज़ शेयर करूँगा। जब मैं मतलब जब यहाँ पर ये आए तो इन्होंने मकान लिया, फिर भी मुझे मतलब यह है कि बाहर ही कर रखा था इन्होंने और अत्याचार करे मेरे पे। मेरा एक बार इन्होंने मार मार के पैर भी तोड़ रखा है, एक बार हाथ भी तोड़ रखा है। और जो मेरी माँ के भाई हैं, मेरे मामा लोग, उनके साथ मिल मिल के मुझे इन्होंने मारने तक की कोशिश करी गई। सब ने मिल के, जो मेरा सबसे छोटा भाई है उसने, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने और मेरे जो मामा हैं उन्होंने। तो उस टाइम भी मैं ये था कि चाचा के साथ ही रहता था, रेंट पे ही रहता था चाचा भी, और मैं भी तो चाचा ने ही मुझे रखा पाला। फिर बाद में बड़े मम्मी और आ गए थे तो इनके पास मेरी फ़ीस देने के भी पैसे नहीं होते थे। और जो सबसे छोटे वाला भाई है उसको हर चीज़ दिला रखी है इन्होंने, मतलब गाड़ी ये वो सो सब चीज़, मतलब पूरा अच्छे से भेदभाव कर रखा। उसको अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, मतलब जो जो चीज़ मतलब करी उसी के लिए करी। मेरे लिए इन पे 10-20 रुपए भी मतलब ये है कि नहीं होते थे महीने के फीस देने के स्कूल के इनके पास, वो भी मतलब ये है कि चाचा ही देते थे, चाचा लोग ही देते थे। तो वैसे तो ये मेरे माँ बाप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये है वो है, मतलब कि हाँ कि हम तीनों में बांट देंगे, ये है बना रखा है हमने। और जब मेरा बच्चा हुआ, जो मेरी माँ है वैसे तो मतलब ये है कि वही देखती है, पर एक दिन के बच्चे को भी मैंने देखा क्योंकि ये तो हॉस्पिटल मतलब इसको तो होश ही नहीं था, एक दिन तक तो होश ही नहीं आया। तो मैंने अकेले ने देखा, मैं ही रुका रात को वहाँ हॉस्पिटल में। इन्होंने कोई मदद नहीं करी किसी भी चीज़ की, एक बारी को ये नहीं पूछा होगा कि हाँ कि बेटे तुझे पैसों की ज़रूरत है या नहीं है। खुद ही करा मैंने, जो मतलब जितना भी खर्चा होता है हॉस्पिटल का, जितना भी हुआ चलो वो तो खैर अलग बात है, वो तो मैंने ही करा टोटली। और जब हमें घर से बाहर निकाला इन्होंने, तो मेरा बच्चा तो 3 महीने का था, तो इन्हें 3 महीने के बच्चे को देख के भी शर्म नहीं आई। इतनी गिरी हुई औरत है मेरी माँ, इतना गिरा हुआ बाप है मेरा, और सबसे छोटा भाई वो जो मतलब भाई के नाम पे कलंक, माँ के नाम पे कलंक, बाप के नाम पे कलंक। तो आप ही बताओ ऐसे माँ बाप आपने कभी देखे हैं? और ये जो मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल सच है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये सच चीज़ है। जो मेरी बुआ लोग हैं, मतलब मेरी माँ ने सबसे नाता तुड़वा दिया इसका मेरे बाप का। और मतलब ये है कि बहुत मतलब बहुत बुरा बुरा कर रखा है। और इतना मतलब ये है कि कभी भी माँ बाप के लिए मेरे से दुआ नहीं निकलती, बददुआ ही निकलती है कि हाँ कि बस जो हो, मतलब क्या बोले, बस बददुआई निकलती है मेरे मुंह से। तो उन तीनों के लिए, मेरे माँ के लिए, बाप के लिए और मेरा जो सबसे छोटे वाला भाई है उसके लिए, कोई बात नहीं, भगवान भी देख रहा है कि क्या है क्या नहीं। हमारे साथ जो हो रहा है इनके साथ डबल होगा वो चीज़, क्या है क्या नहीं सब आपको बताऊँगा थोड़ा थोड़ा करके। तो हम दोनों छोटे, तो हम दोनों मतलब जो मेरा बीच वाला भाई है और मैं, तो मतलब बड़े मम्मी और के साथ ही रहे। तो जो संस्कार दे रखे हैं वो सबसे छोटे वाले मेरे भाई को, वो अब मेरी माँ ने दे रखे हैं। तो आप लोग ही देख लो कि कितने गंदे संस्कार दे रखे हैं मेरी माँ ने, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी वही सिखा के भेजा है उसे।
मेरी माँ को, तो वो संस्कार भी उसको वैसे ही देगी। ना बड़ों की इज्जत करना, मेरे से 7 साल छोटा है वो, मेरी जरा सी इज्जत नहीं करता, ये मतलब सिखा रखा है मेरी माँ ने। और ना बुआओं से बात करवाने देती, ना किसी रिश्तेदार से बात करने देती, ऐसी है मेरी माँ। मतलब माँ के नाम पे भी बस ये है कि आपने कभी देखी होगी, ये है कलयुग के माँ बाप जो मैं आपको बता रहा हूँ जिनके बारे में। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें मैं अभी क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये है 1.5 साल से चैनल है मेरा यूट्यूब पे, तो कि अभी क्यों शेयर कर रहा हूँ मैं, इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब ये था कि अपनी फैमिली में था, बिजी था, और थोड़ा ये होता है कि मतलब इन चीज़ों के लिए थोड़ा होता ही है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, ये चीज़ है, तो उसको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि उसके दादा दादी और कैसे हैं, क्या है। तो ये चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कर ही रहे हैं कि हाँ कि थोड़ा अब थोड़ा टाइम मिला इस चीज़ से वो करने का, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए मेरे बारे में कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मतलब क्या लाइफ थी कि ये मतलब हमारा तो यही चल रहा था कि खाना पीना ये वो सो, पर ये मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। और आप भी कमेंट करना मेरे को कि हाँ कि किस कितने आपने माँ बाप देख लिए होंगे ऐसे, और आपने यहाँ पहली बार देखे होंगे ऐसे माँ बाप, कितने गंदे माँ बाप होते भी हैं इस दुनिया में। मैंने तो वाकई में पहली बार ही देखा था मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कि हाँ कि इतना भेदभाव बच्चों में, ये चीज़ 3 भाई उन्होंने भेदभाव, और सीख क्या दे रखी है सबसे छोटे वाले हो कि लड़ो मरो मारो, ये चीज़ सीख दे रखी है मेरी माँ ने। खासकर आप लोग सोच रहे होंगे हाँ कि मेरी माँ ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि वो है ही नहीं इस लायक कि हाँ कि उसे कुछ चीज़ मतलब तो बोल सकें, पर यह है कि जो चीज़ सच्चाई है वो तो देखो मैं आप लोगों को सबको शेयर करूँगा, अच्छे से शेयर करूँगा कि क्या क्या चीज़ हुई, क्या क्या नहीं हुई, किस किस ने क्या क्या करा हमारे साथ, और किस किस ने साथ दिया मेरा किस चीज़ में, तो मैं सब बताऊँगा थोड़ा थोड़ा। अब तो मैं आप लोगों तक मेरी जो कहानी है पूरी बचपन से लेके अभी तक की मैं सब बताऊँगा आपको धीरे धीरे। और कमेंट करना कि कैसा लग रहा है आपको कि मतलब हाँ आपने सुना कि ऐसे भी होते हैं माँ बाप कलयुग के माँ बाप, तो बताना मेरे को, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे भी थोड़ी ये है कि हाँ कि होगा थोड़ा अच्छा लगेगा। शिवा तो मस्त खेल रहा है इसके साथ, और क्या कर रही, कल की तैयारी, शिवानो उसकी पिट्टी कैसे कर रहा, ओ हम उसके ऐसे करते ना, हाँ बोला तू भी कर। खाना तो हो गया मेरा, इनका तो अभी खेल ही चल रहा है, चाय बना दे यार। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब सोते हैं थोड़ी देर, मतलब इसके साथ खेलता हूँ थोड़ा, थोड़ी देर में सो जाएंगे, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय।